आज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राहतगढ़ जनपद पंचायत में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी। दरअसल आज राहतगढ़ जनपद पंचायत सभागार में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मात्र एक उम्मीदवार मीना राजू आदिवासी ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया था। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए साधना अरविंद राजपूत ने अपना नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया था। दोनों के फॉर्म सिंगल सिंगल होने की वजह से दोनों को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। इसी दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वहां पहुंचे और दोनों विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ विधायक प्रदीप लारिया और पूर्व मंत्री नारायण करबीपंथी भी साथ थे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। चुनने के सब की सदा गोविंद भैया जिंदाबाद। सबसे पहले तो जय भाजपा और विजय भाजपा। सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार है दिल से, सभी वरिष्ठों का जनपद पंचायत राहतगढ़ के लिए। और ये जो हम लोग हमेशा भाजपा की नीति को अंतिम भक्ति तक निभाते रहेंगे, और हमारी जो अध्यक्ष बनी है मीना आदिवासी जी, तो इनके सहयोग से हम लोग जो भी कार्य होंगे सभी संपन्न करेंगे। जो भी विपत्ति है क्षेत्र में, जो भी समस्याएँ हैं उसको लेके हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मतलब यही बोलना है हमारा कि लास्ट तक मतलब सब कुछ क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रसन्नता का विषय है कि राहतगढ़ और जैसी नगर दोनों जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस सबके लिए हम सभी जो हमारे जनपद सदस्य हैं, जो निर्वाचित होकर आए थे, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एकता का परिचय दिया और सामंजस्य के साथ जनपद विकास की तरफ बढ़ेगी। आज यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। नरयावली के विधायक हमारे प्रदीप लारिया जी भी हैं, पूर्व मंत्री हमारे नारायण कहीपंती जी मौजूद हैं, सभी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम सब लोग सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का हमेशा कहना रहता है, उसके सिद्धांत को लेकर काम कर रहे हैं। राहतगढ़ जयशीनगर दोनों सुरखी विधानसभा में हैं और हम लोग लगातार एक साथ विकास के लिए संकल्पित रहेंगे। और हमें खुशी इस बात की भी है कि राहतगढ़ जनपद से एक आदिवासी महिला जो एक गांव से आती हैं और बहुत ही एक गरीब परिवार से हैं, उनके लिए आज हम सब लोगों ने निर्वाचित किया है। उन्होंने नामांकन पत्र भरा और निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं वो, इसकी हम लोगों को बहुत खुशी है। सारे लोगों ने इस बात की खुशी मनाई है और आज हम सबके लिए बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।